महुआ के वैशाली उच्च विद्यालय में एसएसवी के 32वीं वाहिनी के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। भारतीय कला मंच बक्सर से आए हुए कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक खेला तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत, पोषण, स्वास्थ्य, जन वितरण प्रणाली के अलावे केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बताया तथा जागरूक किया। इस नुक्कड़ नाटक में एसएसबी के कंपनी कमांडर रामलाल, भारतीय कला मंच के राकेश कुमार सिंह, मनोज चंद्रवंशी, दीनदयाल चंद्रवंशी, शिव पासवान, सोशीला पासवान, इंद्र प्रसाद सिंह, धनजी यादव, सची कुमारी आदि उपस्थित थे। महुआ में नियोजित शिक्षकों ने पूर्व मंत्री शिव चंद्र राम का किया घेराव, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले महुआ, फातेपुर, राजा पाटा, देसरी, चेरा कला के नियोजित शिक्षकों ने पूर्व मंत्री शिव चंद्र राम के आवास का घेराव किया। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में शिक्षकों ने शिव चंद्र राम को अपनी मांगों का एक ज्ञापन दिया। वहीं शिव चंद्र राम ने शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि वे विधानसभा में समान काम के समान वेतनमान का मुद्दा उठाएंगे। महुआ में पूर्व मंत्री शिव चंद्र राम नियोजित शिक्षकों के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने कहा है कि एक ही स्कूल में काम करने वाले शिक्षकों को दो वेतन नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतनमान देंगे। देखिए, शिक्षक का मांग जायज है। शिक्षक की पूरी मांग को मैंने जब देखा है तो लगा कि निश्चित रूप से शिक्षक के साथ अन्याय हो रहा है और बिहार के सरकार को हंसते हुए इनके तमाम मांगों को मांगने की जरूरत है। से तो चुनाव आ ही रहा है। चुनाव के पहले से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कहते रहे कि हमारी सरकार अगर बनती है, हम सत्ता में आते हैं, तो हम शिक्षक को समान काम का समान वेतन देंगे। एक तरह के काम करने वाला दो तरह का नीतियाँ नहीं चलेगी। हाजीपुर में दलित सेना के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जमकर गीत संगीत प्रस्तुत की तथा एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। वहीं होली मिलन समारोह के माध्यम से आगामी 14 अप्रैल को पटना में आयोजित बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट रैली में भी लोगों से आने की अपील की।